भाई। और आज देख सकते हैं अपनी समर चालू और ये इस लाइन से उस ओर पानी जा रहा है, तो वहीं पर लाइन चेक करने की दृष्टि से और पानी कहाँ जा रहा है इसकी दृष्टि से चलते हैं और आपको प्रेशर दिखाते हैं कि 4 इंची समर का प्रेशर जो यहाँ पर है ठीक उतना ही प्रेशर क्या उस ओर निकलता है जितना कि निकलते समय समर पर होता है, और लाइन में और प्रेशर में तकरीबन कितना फर्क है इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए ये देखते हैं। तो ये खेतों से अंदर अंडरग्राउंड बिछी हुई लाइन है जो इन सभी खेतों से होते हुए अपनी समर से सभी खेतों से होते हुए और फिर वो उधर, ये आपको बाईपास दिख रहा है और इसी के जस्ट बगल में है रेलवे लाइन तक गया है। क्योंकि रेलवे लाइन की प्रक्रिया एक बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद काम होता है, तो इसकी प्रक्रिया भी जारी है। हालांकि लाइन बिछ चुकी है लेकिन रेलवे से क्रॉस करनी लाइन, जो रेलवे से नीचे से जो क्रॉस करने वाली लाइन होती है उसके लिए परमिशन अनिवार्य है, जो कि आवश्यक भी है ताकि किसी प्रकार का नुकसान ना होने पाए। तो अपना एक पॉइंट यहाँ पर है, लगता है लीकेज कैसे यहाँ से तेजी से पानी निकल रहा है, जो कि आवाज़ भी कर रहा है। और इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। भाग ताड़ के वृक्ष, और ये देखिए यहाँ से देखने का प्रयास करें, ये देखिए हमारी जो दूसरा पॉइंट है वो कितनी दूर यहाँ से पानी फेंकता हुआ दिख रहा है। ये 4 इंची समर का प्रेशर है, क्योंकि लाइन भी 4 इंची ही अंडरग्राउंड पड़ी हुई है, तो सीधा पानी यहाँ निकलता है और प्रेशर के साथ। देखिए जा रहा है पानी, इसे आप देख सकते हैं आसानी से, पूरा प्रेशर जो अपना समर पर निकलते हुए रहता है, इसका मतलब जितना प्रेशर वहां पर है ठीक उतना ही प्रेशर यहाँ पर है। तो अभी हम अंदर जाकर देखते हैं कि पानी जा किसी के तरह जो बरात से होते हुए जा रहा है, क्योंकि हर जगह लाइन बिछाना संभव नहीं हो पाता है, ऐसे में बरात के द्वारा ही जल जाना अनिवार्य है। दर्श होते हुए और ये आप देख सकते हैं, हम लोग अपने समर पॉइंट से काफ़ी आगे, यहीं कहीं जा रहा है शायद पानी। ये देखिए इन खेतों में, जैसे आप देख सकते हैं, जो कि आलू की भराई चल रही है। तो चलिए इस वीडियो को विराम देते हैं और ऐसी ही विभिन्न जानकारियों के लिए और हमसे जुड़े रहें।
और हमारे चैनल ओपस फार्मिंग को देखते हुए और जुड़े रहें। धन्यवाद।